मेजरमेंट के लिए उसके साथ ही वर्क करते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग फूड रिसोर्सेज जो है हमारे उसके बारे में लर्न करेंगे और उसके साथ जो एनिमल्स हैं वो भी हमें फूड देते हैं, वो किस तरीके से क्रॉप मैनेजमेंट और फूड के इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरीके से हमारे साथ वर्क करते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड स्टैंडर्ड इन फर्स्ट चैप्टर क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, किस तरीके से क्रॉप मैनेजमेंट होता है और उसका प्रोडक्शन होता है आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, उसके स्टेप्स भी आपको पता है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग कि किस तरीके से क्रॉप अच्छे हेल्दी क्रॉप ग्रो कर पाए, हमारे पास जो फूड पहुंचता है उस फूड के अंदर न्यूट्रिशंस जो है वो प्रॉपर हो, इसीलिए किस तरीके से फार्मिंग करनी चाहिए, किस टाइप की क्रॉप को ग्रो करनी चाहिए, एनिमल्स जो है वो किस तरीके से यूज जो होते हैं, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर लर्न करने वाले हैं। टॉपिक कवर्ड इन दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन पार्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्टोरेज, इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स और एनिमल हस्बेंड्री जो पार्ट हमारा ये चीज सारे टॉपिक है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, वो सारे क्रॉप मैनेजमेंट के। ओके, और सेकेंड पार्ट जो हमारा है एनिमल हस्बेंड्री उसके अंदर जो टॉपिक कवर होते हैं कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पीसी कल्चर एंड एपीकल्चर, इतने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि आधे से ज्यादा जो टॉपिक्स है वो आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेट में लर्न करके हैं। इरिगेशन क्या है, मैन्योर फर्टिलाइजर किस तरीके से वर्क करता है, क्रॉप प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं, वीडिंग जो है ना वीड्स, स्टोरेज किस तरीके से होता है, आप ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड रेट के अंदर चैप्टर फर्स्ट के अंदर लर्न करके हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में जाना है आपको, बेसिक जो है इसका पता है कि किस तरीके से इरिगेशन होता है, स्टोरेज किस तरीके से हम करते हैं जिससे क्रॉप्स जो है वो हमारे डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए आपको ये चैप्टर ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा इजी रहेगा। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जिस तरीके से हमने स्टार्ट करें कि फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया था उसी हिसाब से सेम ऑलमोस्ट सेम है ये, बट थोड़ा इसमें डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है क्रॉप, उसके हम टॉपिक्स फर्स्ट लर्न करते हैं कि किस तरीके से क्रॉप जो है वो इम्प्रूवमेंट किया जाता है, अच्छे
का इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। यस, हमारी इंडिया जो है वो बिग कंट्री है, उसके अंदर पॉपुलेशन मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पीपल है, ये पूरी पॉपुलेशन है, उसको मिलियंस और बिलियंस में ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी, फूड की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए फार्मिंग भी करना पड़ेगा, इतना क्रॉप का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, इतना अच्छा फूड प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए लैंड भी चाहिए, जो जिस मिट्टी में हम फार्मिंग कर पाए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से सारा फूड जो है वो हम हमारा फूड वैसे हम सारे न्यूट्रिशन ले पाए। तो इसके लिए क्रॉप का इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट जो है वो जरूरी है, क्योंकि सारे पॉपुलेशन को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, वो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एनिमल सस्टेन तरीके से मिलता है। एनिमल में से भी हमको फूड मिलता है, लाइक अचार है, मिल्क है, बटर है, घी है, ये जो मटन है, चिकन है, एग्स है।
डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये जो सारे हैं हम हमारे फूड के अंदर लेते हैं। वेजिटेबल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग करते हैं, फ्रूट्स का क्रॉपिंग होता है, फार्मिंग होता है, सीरियल्स का फार्मिंग होता है, वो जो फूड है वो हम सारा खाने के लिए यूज करते हैं। इस टाइप के क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। न्यूट्रिशनल नीड्स आर कॉल्ड क्रॉप जो है, न्यूट्रिशनल नीड्स वाला क्रॉप जो हमें ग्रो करना है उसके लिए प्रॉपर फार्मिंग की जरूरत पड़ती है। जो इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन जो है हमारा क्रॉप्स का वो इम्प्रूव करता है। अभी जो है वो इंडिया के अंदर लैंड्स जो यूज होते हैं फार्मिंग के, वो लैंड्स का कल्टीवेटेड हो रहे हैं और वो लैंड्स जो है उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, तो ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज करना पड़ेगा। इस फूड प्रोडक्शन और लाइफ स्टॉक जो है हमारे उसका इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से जो फूड जो है हमारा उसका फूड भी जरूरी है उतना है, इसलिए उसका भी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं और चैनल्स पे भी न्यूज देखते हैं जनरली कि जो हमारा फूड है उसकी क्वालिटी के बारे में कभी कभी न्यूज आता है कि इम्प्रूव करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो हमारे फार्मर्स है उसको भी बहुत सारा फूड्स जो है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, स्टोरेज नहीं है उतना, उसके हिसाब से बहुत सारे फूड्स जो है वो हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है। क्योंकि जो हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो वो जो सारा फूड है वो हम उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा पाएंगे। आप ऐसे ही टू टाइप के रिवॉल्यूशन भी जानते हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए था और व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो बटर हमारा मिल्क जो है उसकी बैटर क्वालिटी के लिए था। ये दोनों जो फूड ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना, एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय ना हो, एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट ना हो, उसको बचाने के लिए ये टू जो है रिवॉल्यूशन किए गए थे। आपने SSC के अंदर भी पढ़ा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन, आप जानते होंगे कि क्रॉप ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड के लिए था और व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए था, उसके अंदर जो है वो बेटर क्वांटिटी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ये दोनों रिवॉल्यूशन किए गए थे जिससे हम अच्छा फूड जो है वो हमको मिल पाए। ओके, थैंक यू।